मैं तो इतनी हैरान हो गई थी मिसेस मेहता को देखकर। अरे इतनी डार्क कलर की साड़ी पहनी थी, छी, और लिपस्टिक तो उससे भी डार्क थी। गुड लक गुड लक, कांच टूटना अच्छा शगुन होता है बहुरानी। वाह सासुमा, आपके हाथ से ग्लास टूटा तो अच्छा शगुन, मेरे हाथ से टूटा तो? वो क्या है ना, एक्चुअली मैं इन बातों में नहीं मानती, क्योंकि मैं तेरे ससुर जी की छोटी बुआ जी की तरह अंधविश्वासी नहीं हूँ। अरे रवि कहीं दिखाई नहीं देता, ये तो दफ्तर चले गए सुबह। अच्छा अच्छा, अगर वो होता तो वो भी हैरान हो जाता मुझे यहाँ अचानक देखकर, जैसे तुम लोग हैरान हो गए हो। लेकिन बुआ जी, ना आपकी चिट्ठी ना तार। अरे बेटा, मैं डाकघर गई थी तार करने, लेकिन क्या करती, जैसे ही डाकघर में कदम रखा तो पता नहीं अचानक एक बिल्ली मेरा रास्ता काट कर चली गई। अब मैं आगे कैसे बढ़ सकती थी भला, जब तक कोई और अंदर ना जाए। वहीं की वहीं खड़ी रही, लेकिन क्या करे, कोई आया ही नहीं, और मैं भी कब तक खड़ी रहती, गाड़ी का वक्त जो हो रहा था, इसलिए ऐसे ही चल गई। लेकिन तुम लोगों को मैं कह देती हूँ, मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई हूँ, जो भी खातिर वातिर करनी है आज ही कर लो। एक दिन के लिए आना भी कोई आना होता है? हाँ छोटी बुआ जी, वैसे कल हम वापस काम पे जा रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ रह सकती है दो चार दिन के लिए। नहीं बेटा, मुझे तो कल ही जाना होगा, क्योंकि परसों तो मंगल है और मंगल के दिन सफर नहीं करते, फिर अमास आती है तो बुधवार को भी नहीं जा पाऊंगी, और गुरुवार को गाड़ी ही नहीं है, शुक्रवार को मेरा व्रत है ना, और फिर कहते हैं शनिचर के दिन अपनों से बिछड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए कल ही जाना जरूरी है बेटा। बाप रे, हफ्ते के सातों दिन से कुछ न कुछ वहम जुड़ा है। हाँ बहू की बहू, वैसे मैं देख के आई हूँ, आज का दिन बहुत ही शुभ है, इसलिए आज ही सारा सामान खरीद लाते हैं। लेकिन कैसा सामान खरीदना है आपको? अरे बहू, सबके लिए कपड़े लेने हैं, चद्दर टॉवल गिलाफ, हमारे गांव में तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो चल 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 जल्दी चल। सत्यानाश, क्या हुआ? अभी छींकना था जब हम लोग बाहर जा रहे थे। ओ क्या, अब रुक बहू, थोड़ी देर बाद जाएंगे। पता है कितना बदशगुन होता है इस तरह ची 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 ची। God bless। पहले खरीदारी करते हैं? हाँ बाद में आ रहा जी। चलो क्रॉस कर ले। हाँ हाँ छोटी बुआ जी। बाप रे बाप, जीवनी देवी, जीवनी देवी, आपने मुझे बचा लिया, मेरी जान बचाई जीवनी देवी। अरे क्या कर रही है बुआ जी आप? आपने मेरी जान बचाई, वरना वो गाड़ी मुझे कुचल कर चली जाती। जीवनी देवी, मैं मर जाती। ये सब तो ठीक है छोटी बुआ जी, लेकिन ये जीवनी देवी क्या है? तेरी सास देवकी। तेरी माँ जीवनी देवी है। चुप, हंसो मत। सदियों से चली आई हुई हमारे गांव की परंपरा के मुताबिक, जैसे ही इन्होंने मेरी जान बचाई, मुझे नया जीवन दान दे दिया। अब ये मेरे लिए कोई मामूली इंसान नहीं है, जीवनी देवी है, जीवनी देवी है, जिनकी सेवा करना देखभाल करना मेरा सौभाग्य होगा। ये कैसे हो सकता है, देवकी आपकी बहू है। वो आपकी सेवा करेंगी या आप उनकी सेवा करेंगी? अरे घोंचू, परंपरा बदली नहीं जा सकती। बेटे मुझे हाथ दे, हाथ दे। देवी जी, देवी जी, मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा। छोटी बुआ जी, जीवनी देवी की पावन छत्र छाया का सुख भोग रही हूँ। अब उठिए ना छोटी बुआ जी। नहीं नहीं, मुझे सुख भुगतने दीजिए जीवनी देवी। उठिए ना छोटी बुआ जी। हाँ छोटी बुआ जी, ये अंधविश्वास वाली बातों को आज कौन मानता है? मैं मानती हूँ। लेकिन देवकी तो नहीं मानती ना। क्यों देवकी?
अब छोटी बुआ जी का दिल मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? करने तो जी जो उनको करना है। मैं कल नहीं जा सकूंगी। आपकी सेवा जो करनी है। तो आपका टिकट कैंसिल करा दूं? नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगी, मैं करवा लूंगी ना। छोटी बुआ जी, हाँ? मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। हाँ लेट जाइए, लेट जाइए। छोटी बुआ जी, ये क्या कर रही है आपकी सेवा, आप थक गई है ना, मैं पैर दबा रही थी। नहीं नहीं, वैसे मुझे जरा चाय पीनी थी, मगर मैं बहू से कह दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बना के लाती हूँ। मैं बना के लाती। आप ऐसे क्यों चल रही है? वो परंपरा के मुताबिक मेरा सर आपके सर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। वाह सासुमा वाह, आपको तो बड़ा मजा आ रहा है। परंपरा है बहू, परंपरा। काश मुझे भी मौका मिलता आपकी जान बचाने का। तू मेरी जान बचाएगी और फिर जीवनी देवी बनकर मेरे सामने बैठेगी और फिर मैं तेरी दिन रात सेवा करूंगी। भूल जा बहू, भूल जा। अव्वल तो तू मेरी जान बचाएगी नहीं, और अगर बचा भी ली तो मैं वहमी हूं नहीं, इसीलिए मैं जीवनी देवी बनाकर तुझे यहाँ बिठाने वाली हूँ नहीं। तो आप खुद क्यों देवी बनकर बैठी है उनके सामने? उनका दिल रखने के लिए। आखिर वो मेरी सास है ना। वही तो मैं कह रही हूँ, आप अपनी सेवा अपने सास से करा रही हैं। मैं कहाँ करा रही हूँ, वो ही कर रही है। आप मना नहीं कर सकती उन्हें? मैंने किया उन्हें मना, लेकिन वो मानती नहीं। मैंने तो उन्हें ये भी कहा कि आप यही सो जाइए, मगर नहीं, अब मुझे उनकी वजह से हॉल में सोना पड़ेगा। तकिया। हाँ? तकिया लीजिए। हाँ। अब सब सो गए, आप भी सो जाइए। हाँ मैं जरा ये उपन्यास पढ़ लूँ। क्या कर रही है आप? मैंने अभी तक पेश पूरा नहीं किया था, ये कहानी पूरी किए बिना मैं नहीं सोने वाली। यानी जब तक ये किताब खत्म नहीं होती आप सोएंगे नहीं? नहीं, क्योंकि कातिल कौन है जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अशोक कातिल है? हाँ, मैंने ये कहानी पढ़ी है, मुझे अच्छी तरह याद है। जब अशोक को पता चलता है कि उसका दोस्त ही उसका दुश्मन है तो वो उसका खून कर देता है। शुक्रिया, आपने मुझे बता ही दिया, थैंक यू। अब तो आप आराम से सोएंगी ना जीवनी देवी ही।
इस तरह लेटी थी, मुझे डर लगा कहीं मैं आपकी सेवा करने का मौका हमेशा के लिए न गवा दूं। क्या छोटी बुआ जी, आप भी खामा का मुझे जगा दिया ना, अब मुझे दोबारा नींद नहीं आने वाली। आप मुझसे नाराज हैं? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ बुआ जी, लेकिन एक बार मेरी आँख खुल जाती है ना तो दोबारा मुझे नींद नहीं आती। मैं लोरी सुना दूँ? नहीं, मैं फ्रिज से ठंडा पानी पीती हूँ, शायद नींद आ जाए। किसने किया? मैंने। क्यों? ताकि आप नींद में चलते चलते कहीं खिड़की से गिर न जाए। सबसे पहले तो मुझे नींद में चलने की आदत है नहीं, और मैं तब चलूंगी जब आप मुझे सोने देंगी। तो सो जाइए ना। तो आप भी सो जाइए। ये लिफाफा क्यों पहना दिया तुमने बेचारी छोटी बुआ जी को? मैंने नहीं पहना है, उन्होंने खुद पहन के रखा है ताकि ये अपना मुंह किसी को दिखा ही ना सके। क्यों? माँ जीवनी देवी इनसे नाराज है। ओह हाउ सेंसिबल। मेरा मतलब है माँ का है ऊपर है, मेरा मतलब है तुम्हारी माँ ऊपर सो रही है। कह रही थी रात भर सो ना सकी। तुम सब उन्हें बहुत तंग करते हैं, जरा भी ख्याल नहीं रखते। अरे बाबा, वो देवी है, देवी, जीवनी देवी। आपका मतलब है हम सभी लग जाए क्या उनकी सेवा में आपकी तरह? सर झुकाकर चला करें उनके सामने, हर बात उसकी मान ले, तभी वो खुश होकर मुझे माफ कर देंगी। और भी चिढ़ जाएंगी, करके देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। लगता है माँ नीचे आ रही है। आपके सेवा करना चाहते हैं मेरी तरह। ये लोग? नहीं नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमें भी करने दो ना आपकी सेवा जीवनी देवी। एक तो इनकी सेवा मुझसे संभाली नहीं जाती, तो तुम लोगों की कैसे संभाल पाऊंगी मैं? नहीं नहीं, तू मेरे साथ अंदर चल, चल। और तुम लोग ले रुको। मैं तो तंग आ चुकी हूं उनसे। क्यों? आपको तो बड़ा मजा आ रहा था। अरे क्या थाक मजा आ रहा था, पता है रात भर सोने नहीं दिया मुझे उन्होंने। पता नहीं ये कितने दिन तक चलने वाला है। कितने दिन तक क्या, आज शाम की गाड़ी से तो वो चली जाएंगी। नहीं ना। वो तो मुझसे कह रही थी कि आपकी सेवा करने के लिए मैं और रुकूंगी, मैं जाने कब तक। कब की टिकट करवाऊं आपकी छोटी बुआ जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जाते जाते खरीद लूंगा। मैं कुछ कह नहीं सकती। हाँ इस हफ्ते तो नहीं जा सकती, अगले हफ्ते की करवा दें। ठीक है पापा। पता नहीं
परंपरा के मुताबिक जीवनी देवी की जान को कोई खतरा हो और मैं उन्हें बचा लूं तो हिसाब बराबर हो जाएगा। जीवन दान के बदले जीवन दान। आपने सुना सासू माँ? सुना ना, लेकिन मेरी जान को कैसे खतरा हो सकता है? हो सकता है। कैसे? आज दोपहर को जब ससुर जी गए होंगे क्लब और ये गए होंगे दफ्तर, घर में होगी सिर्फ तीन बेचारी बेसहारा औरतें। ऐसे में घर में घुस आएगा एक खतरनाक खूनी चोर। आपसे चाबियां लेने के लिए वो आपको और आपको उससे बचाएंगी छोटी बुआ जी। डन तू मुझे प्लान सुना रही है कि डरा रही है? डरिए मत सासू माँ, चोर असली नहीं नकली होगा। नकली चोर? कौन, कैसे, कहाँ से? सब 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 बताती हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अरे मैं तेरी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन बता तो सही। मैं मेरे बाल काटूंगी। कटवा ले, कटवा ले, पूरा कटवा ले, गंजी हो जा बिल्कुल, पर मुझे बचा ले। मैं गंजी नहीं, स्टाइल में बाल काटूंगी। अरे हाँ ठीक है बाबा, लेकिन ये तो बता चोर कौन है? वो चोर नहीं, चोरनी है, यानी कि मैं। किया जा रही है, तू एकदम शेरनी की तरह लपक कर मुझ पर हमला कर दे ताकि मैं चिल्ला कर छोटी बुआ जी को जगा दूं। हाँ। मुझे शेरनी की तरह लपक कर हमला करना नहीं आता। तो फिर चोरनी बनी क्यों तू? मजबूरी है जी। क्या मजबूरी है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। तू एक काम कर, मेरा हाथ पकड़ ले। हाथ? हाँ पकड़ ले। बचाओ बचाओ छोटी बुआ जी, बचाओ, चोरनी घुस आई है घर में, बचाओ बचाओ। ये तो तस्से मस नहीं हो रही है, छोड़, अरे छोड़ना। छोटी बुआजी, छोटी बुआजी, छोटी बुआजी, उठिए ना छोटी बुआजी, चोरनी घुस आई है घर में, चोरनी, चोरनी, वहाँ देखिए ना, चोरनी नहीं, ये खूनी भी है। कैसे? हाथ में पिस्तौल है, पिस्तौल। पिस्तौल लेकर क्यों आई है? हाँ? अरे ये असली है? हाँ असली है। गोलियां है इसमें? हाँ गोलियां है, भरी हुई है। तुरक भाग गई, भरी हुई पिस्तौल लेकर यहाँ आई है तू, कहीं गोलियां चल जाती तो। सासू माँ करके मत बुला मुझे। सासू माँ? हाँ सासुमा यहाँ। तू चुप रे पागल। अरे मैं क्या करूं, उसके हाथ में पिस्तौल है।
ये बुढ़िया काफी समझदार है। ए, चलो तुम बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। अरे जिन्नी देवी को धक्का मारा तुमने? चुप, अभी तो सिर्फ धक्का मारा है, ज्यादा बकबक की ना तो गोली मार दूंगी। इस बंदूक से गोली मारेगी इस बंदूक। हाथ नीचे। अरे तुम नहीं, तुम दोनों यहाँ। अरे तुम नहीं, तुम दोनों यहाँ। ओहो तुम नहीं, पीछे जाओ पीछे जाओ। बहू की बहू और बहू, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आ जाओ। चलो जल्दी चलो चलो। अब बोल, चोरी करेगी लड़की होते हुए? अब मैं क्या करूं, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ कि कहीं पे काम कर सकूं, और ना ही मेरे घर वालों के पास इतने पैसे हैं कि वो मेरी शादी करा सके। इसलिए मैं चोरी करके दहेज इकट्ठा कर रही हूँ। बेचारी। अरे क्या बेचारी, चल निकाल निकाल जो सामान चुराया है। बहू की बहू, पुलिस को फोन कर। अरे भाग गई, अरे भाग। छोटी बुआ जी, एक बात आपके ध्यान में आ गई? क्या? आपने सासू माँ की जान बचाई। अरे हाँ। अच्छा हुआ मुझे मेरी टिकट बदलवानी नहीं पड़ी। पायलागू छोटी बुआ जी, जल्दी कीजिए, आपको ट्रेन में बिठा कर हमें भी तो जाना है। आइए आइए आइए। अब अगली बार आइएगा तो 8-10 दिन के लिए आना। हाँ, और ऐसे फिर कुछ मत कीजिए जिससे हमें आपकी जान बचानी पड़े। अच्छा, चलती हूँ मैं। चिट्ठी विट्ठी लिखते रहना। हम भी चले सासू माँ? हाँ चले। कहाँ? बाल कटाने। बाल? चल चल। हाँ अभी आई। आपने चाबी और पर्स ले लिए ना? हाँ हाँ। तू चल ना पहले। पहले आप चलिए। नहीं नहीं, तू मुझसे छोटी है, तू चल ना पहले। आप मुझसे बड़ी है ना, आप पहले चलिए। पहले तू चल ना। पहले आप। पहले तू। पहले आप। पहले तू। पहले आप। तू। आप। तू। आप।